हाय गाइस, प्रियस किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं आज इमली की खट्टी मीठी तीखी चटपटी चटनी की रेसिपी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास इमली ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इमली ले लिए हैं जिसके मैंने बीज निकाल कर पहले से रख लिए हैं। तो ये मेरी इमली में बीज नहीं है, तो अब इसे हम अच्छे से, मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन ले रही हूँ। बर्तन में मैं एक गिलास के करीब पानी रखूँगी क्योंकि हमें इमली को सॉफ्ट करना है। तो इसलिए मुझे तुरंत में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले पानी को थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ। हमें पानी को उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करना है ताकि हमारी इमली अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, हमने पानी को गर्म कर लिया है। तो इसमें अब ये मैं छू रही हूँ तो पानी अच्छा गर्म है। तो ये जो हमने इमली लिए थे इसे हम इस पानी में डालकर रख देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने दे देंगे ताकि हमारी इमली अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं घर में। हम जब चाट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, जब हमें चाट बनाते हैं घर में तो उसमें खट्टी मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ती है, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। आप इसे पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। या आप कटलेट के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ चाहें आप इसे खा सकते हैं। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी इमली अच्छी तरीके से अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारी इमली अच्छी तरीके से सॉफ्ट है। तो मैं अब इसे एक मिक्सी का जार लूँगी। तो अब हम इसमें अपनी इमली, जितनी इमली है उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इमली के अच्छे सा पेस्ट बन जाए। तो देखिए, मैंने इसमें सब डाल लिया है, अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये कितना अच्छा ग्राइंड हुआ है, अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। तो इसी तरह आप भी इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो अब हम इमली की चटनी के लिए तड़का लगाते हैं। तो चलिए हम तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पास एक कढ़ाई रख ली है। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन करेंगे और एक चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। आप इसे घी भी में फ्राई कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन मैं यहाँ पास रिफाइंड ऑयल ही ले रही हूँ। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उस टाइम पे हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे ताकि हमारी जीरा अच्छी तरीके से चिटक जाए। जीरा डालने के बाद मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग से अच्छा तड़का लगता है और इमली है तो हींग अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हींग डालने के बाद मैं इसमें, क्योंकि हम तीखी चटनी भी बना रहे हैं, तीखी मीठी खट्टी चटनी, तो मैं इसमें लाल पिसी मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए, हमारे अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ पक चुके हैं। तो जो अब हमने इमली का पेस्ट रखा है जिसे पीस कर, अब वो हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं अपने सारे पेस्ट को अच्छी तरीके से और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे ताकि जो हींग का फ्लेवर है तो सारी इस इमली में अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पास अभी हमारी ये जो इमली है, जो हमारा ये चटनी है, गाढ़ा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं उसी जार में ही पानी मैंने लिया है क्योंकि इमली भी जार में रह जाती है तो उससे इमली भी हमारी अच्छी तरीके से जो पेस्ट है निकल जाएगा। तो यहाँ पास मुझे ये भी चटनी और गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी और डाला है। आप इसे पतला गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो जितना आपको गाढ़ा रखना है आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। तो बॉयल आ चुका है तो इस टाइम पे मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने हिसाब से करें। तो मैंने इसमें थोड़ा ही नमक लिया है, तो ये मैं काला नमक ले रही हूँ। मेरे पास पिसा हुआ काला नमक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पास जो नमक के डेले आते हैं मैं वो ले रही हूँ। तो आपके पास जो हो आप वो डाल दें। ये मैं गुड़ ले रही हूँ,
तो इसमें हम गुड़ मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पर गुड़ और शक्कर दोनों मिक्स करके मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सिर्फ शक्कर बस डाल सकते हैं या तो गुड़ बस डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों चीज़ ली हूँ। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब शक्कर ऐड किया है और गुड़ मैंने यहाँ पास लिया है, और इसे अच्छी तरीके से बॉयल आने तक मैं इसे पकने दूंगी। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, हमारी चटनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब इस टाइम पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, तो कटोरी में मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पास मैं मेरे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। ये मैं बूंदी डाल रही हूँ, तो ये घर की बूंदी ही है, तो मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से अच्छे तरीके से डाल लेंगे और आप ये चटनी को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये रही हमारी खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।